मुझे ना राखी सावंत को देख के ना आजकल एक गाना याद आता है, वो था ना सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा का, कि अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ये लाइंस राखी सावंत के लिए, क्यों और कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ उस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई दरअसल ये लाइनें मैंने यहाँ फिट इसलिए की है क्योंकि देखिए राखी सावंत कब किस पे यार इतनी दुखी हो जाती हैं और उनके आंसू जैसे निकलते हैं यार, लाइक सॉलिड हथियार है। मैं यहाँ पर बोलूंगी कि बिग बॉस के घर का सॉलिड जो हथियार कहते हैं वो हो सकता है। तो यहाँ पर क्रीम रोल डस्टबिन में फेंके गए, क्रीम रोल जो है राखी सावंत ने ही चुराए थे। इसके बाद में राहुल वैद्य को वो कहती नजर आती है कि यार ठीक है, क्या कहते हैं मतलब वो मेरी बचपन की यादें थी, मैं तो उसको डरे के मारे खाया भी नहीं था, वो कैसे लोग कर सकते हैं, ऐसे कैसे वेस्टेज कर सकते हैं। खैर मुझे वो रोना नहीं आएगा क्योंकि मैं नहीं रो सकती बिना जब तक मुझे कुछ हर्ट ना हो। खैर लेकिन यहाँ पर राहुल वैद्य कहते हैं ठीक है उससे गलती हो गई, उसने माफी मांग ली, अब क्या उसकी जान ले लोगी आप। तो यहाँ पर इस तरह के कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं। देन उसके बाद में राखी सावंत का रोना धोना चालू हो गया। उसके बाद में राखी सावंत ने क्या किया, राखी सावंत गई डस्टबिन के पास में और उन्होंने डस्टबिन में से, अब वो खाए या ना खाए ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने दो तीन जो क्रीम रोल थे वो निकाल के वापस से कंटेनर में डाले, पैक किया और लेके चली गई। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो लड़की है वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। और आंसू कहाँ से आ जाते हैं यार, क्या ग्लिसरिन का डब्बा वो अपने साथ लेके गई है, क्या करती है, ऐसा क्या वो अपने माइंड में पिक्चर बनाती है जिसकी वजह से उन्हें यूं रोना आ जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि राखी सावंत का इस एक्ट पर आप लोगों की क्या राय है, बल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सारी अपडेट ऑन टाइम कैसे मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ में बॉलीवुड हेडलाइंस में।